बात हो रही है पयाम सब में एक शानदार दास्तान बयान की जा रही है हजरत आदम की दास्तान जो क़स्सा अल्लाह ने रखा है कुरान करीम में रहती दुनिया तक आलम इंसानियत की फलाह के लिए नसीहत के लिए इबरत के लिए कदम कदम पर जो हमतें हैं और जो जो नसीहतें हैं वो हम सीख रहे हैं अपने मज्ज़ कराम से ख़ातिन मुजरात एक सीरीज़ है जिस पर मैं इक्तसार से इसका एक जमाली जायज़ा जिसे कहते हैं वो लेते हैं कि अल्लाह तरिश्तों से कहा उन्हें बताया इतला दी कि मेरा मंसूबा क्या है कि मैं ज़मीन पर आदम को भेज रहा हूँ अपना खलीफा बनाकर क्यों भेज रहे हैं ये फसाद बरपा करेगा खून बहाएगा अल्लाह तला ने फरमाया कि नहीं आप नहीं जानते आप हम जानते हैं इमे आलमला तलाम उन और फिर यहाँ से बात आगे बढ़ी आदम को अल्लाह ताला ने कुछ अस्मा के नाम सिखाए कल भी इस पर बात हुई आदम से फिर अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि इनके नाम बता दो तो आदम ने बता दिए फिर फरिश्तों के सामने ये सवाल रखा गया फ़रिश्ते खामोश रहे और वो नहीं बता सके क्योंकि उन्होंने कहा कि लामा आलम तना यहाँ से बात फिर आगे हुई थी फिर आगे एक और बहुत अहम नुकता कि जब आदम ने नाम बता दिए और फरिश्ते नहीं बता पाए तो अल्लाह ताला ने फरमाया के देखा मैंने नहीं कहा था कि जो मैं जानता हूं जमीन व आसमान के ताल्लुक से वो तुम नहीं जानते मैं वो भी जानता हूं कि जो तुम जाहिर करते हो और मैं उसे भी जानता हूं कि जो तुम छुपाते हो कल इस पर बात हो रही थी लेकिन बात मुकम्मल नहीं हो पाई तो हम सवाल ये रखेंगे आज शुरू वहीं से करेंगे जहां कल से कलाम टूटा था कि क्या फरिश्ते छुपा भी सकते हैं कुछ चीजें यहां छुपाने से क्या मुराद है या फलूना माँ या मरून यू मरून कुरान करीम में इशार फरमाया गया है कि फरिश्ते तो वो करते हैं जो उनसे उन्हें कहा जाता है वो तो पाबंद है खातन वजरा आगे सवाल फिर यह होगा जो कल भी सवाल रखा गया था कि अल्लाह ताला आदम की तखलीक करके चाहता है क्या है क्या वो खुद को पहचानवाना चाहता है उसकी ख्वाहिश यह है कि मैं जाना जाऊं मैं छुपावा खजाना हूं या कोई और वजह फिर अल्लाह ताला आगे क्या बात कहता है कि बनाए कैसे कि सजदा करो अब तो तुम कायल हो गए हो ना इस बात के तो फरिश्ते सजदा कर देते करते हैं सिवाय इबलीस के इब, जहां सजदा नहीं होता इनकार होता है सजदे से वहां कुरान करीम इबलीस का लफ इस्तेमाल करता है और जहाँ जहाँ आदम को वरगलाने की बात होती है वसफसा डालने की बात होती है तो कुरान करीम शैतान का लफ्ज इस्तेमाल करता है खौत हजरा एक एक लफ्ज़ की हमत है कुरान करीम में जो भी लफ्ज़ या जो लफ्ज़ का एक एक हर्फ जो इस्तेमाल हुआ वो एक ये कलाम खुदाबंदी है उसकी क्या क्या हमत है वह भी हम सीखेंगे अपने अहद के जैदा से कराची में तशीफ़ फर्मा है मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब खातिन खवातिनत सब आपसे वाकफ़ व्याम में तशरीफ़ लाते हैं हमेशा हम आपसे सीखते हैं उलूम जदीदा जिनके ताल्लुक से मैं कई बातें कह चुका हूँ भरपूर निगाह है आपकी अहद का लम्स गुफ्तु में आज जो मसाइल दुनिया को दरपेश हैं वो मसाइल किसी भी किस्म के हों वो समाजी हों सियासी हों अखलाक़ी हों माशी हों उन पर गहरी निगाह है खातिन हजरात लाहौर में तशरीफ़ फरमा है एक और बहुत महबूब और मकबूल नाम मोहतरम शहजादी साहब सब आपसे वाकिफ हैं खातन हजरात जब भी प्याम सुबह में तशरीफ लाएं हमेशा हमने अलामा साहब से सीखा है अल्लाह साहब मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ वरम प्रोग्राम का आगाज करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह बकरा आयत नंबर तैतीस थर्टी थ्री بسم शई الرحمن الرحيم واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس अब स्त अकबरा नलका फिरी कौ लो ली अल्लाह तरशाद फरमा रहा है सूर्य बकरा की आयत नंबर तैतीस में कि फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ तो सब झुक गए मगर इबलीस ने इनकार किया वो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया और नाफरमानों में शामिल हो गया जरक अज़ीम। खीन हजरात इससे पहले के पहला सवाल रखा जाए मुफ्ती साहब के सामने कल जो सवाल रखा था हमने कोई इस कॉम्पिटिशन में उसका दुरुस्त जवाब और आज का सवाल कल का सवाल यह था कि हाजी के लिए सारा सर मुंडाने के अमल को क्या कहते हैं दुरुस्त जवाब हलक आज का सवाल नोट फरमा लीजिए जिस मस्जिद में काबा खानाबाक है उसका क्या नाम है मस्जिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद अक्सा या मस्जिद हराम दुरुस्त जवाब रवाना फरमाने के लिए हमारे फोन नंबर है जीरो जीरो नाइन डबल टू वन थ्री फोर थ्री डबल जीरो नाइन एट जीरो और नाइन एट वन हमारा ई मेल एड्रेस पी एस एट दुनिया टी वी डॉट टी वी एस एम एस का नंबर थ्री जीरो थ्री वन मुफ्ती इरशाद साहब आपकी खिदमत में पहला सवाल ये कि अल्लाह ताला ने आदम को तख्लीक किया खलीफा बनाया अपना नायब बनाया अपनी खसूसियात उसमें देखना चाहता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर क्या मकाम इंसान उससे मतलब आलम है फ़कत मोमिन जाबाज की मीरास मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं है इकबाल फरमाते हैं तखलीक आदम का मकसद क्या था क्या अल्लाह ताला खुद को चाहता था कि वो पहचाना जाए बिसमी सल रसोल कर करीम देखिए तखलीक़ आदम का जो मौजू है ये बहुत ही गहरा अच्छा और मैं अगर ये लफ्ज़ कहूँ कि एक ऐसा मौजूद है जो कि रहती दुनिया तक इंसान इंसान के लिए एक ऐसा सवाल बनता रहेगा जिसमें नए नए निकात और ये चीज़ें आती रहेंगी अल्लाह ताला ने तख्लीक हज़रत आदम सलाम की इंसानों की क्यों की अल्लाह ताला का मकसद क्या था खैर और शर का ये निज़ाम क्यों चलाया इंसान को के अंदर ऐसी कौन सी सिफ़ात वदीयत की क्या चाहता है कि वह उसके अंदर खिलाफत हो और ये भी फरमाया बस जगहों पर कि अगर इंसान जो है वो बाद दफ़ा जानवरों हैवानत से भी फरोतर हो जाता है बदतर चला जाता है ये एक पूरा उसका निज़ाम है जो उसने तख्लीक़ फरमाया है और जैसा कि बाज़ हज़रा ने यह बात लिखी है कि अल्लाह ताला इस निजाम को ख़त्म करने के बाद भी कुछ करेगा क्या करेगा वो उसकी निशान है इसलिए कि उसकी सिफत खालिकियत जो है वो ख़त्म नहीं होगी और इस निज़ाम से पहले भी शायद कोई निज़ाम हो हमें नहीं मालूम तो अल्लाह ताला का पहला एक तो बात यह है कि चूंकि अल्लाह की सिफत खालिक होना है लिहाजा वो खल करता है ख़ुद कुरान करीम में फरमाया फ़रमाएगा वह यखलक माला ताल वो ऐसी तख्लीक करता है जो तुम जानते तक नहीं तो एक तो ये तख्लीक का सिलसिला अल्लाह ताला का जारी रहेगा दूसरी बात है कि बाज़ रिवायात से इशारा मिलता है कि जैसे कि अल्लाह ताला ने ये इरशाद अल्लाह की तरफ़ मंसूब करके हदीस जिसे हम हदीस कुछ कहते हैं बाद मिलते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैं चाहता था कि मैं मैं छुप पोशीदा था मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊँ इसी तरीके से क़ुरानी करीम की ख़ुद एक आयत है कि मैंने इंसानों और जन््त की तख्लीक़ इबादत के लिए की है मैं उनसे रिज्क नहीं चाहता ना मैं ये चाहता हूँ कि मुझे वो घिलाएँ पिलाएं तो इस इन आयात को जब हम सामने रखते हैं तो हमें एक बात की समझ में आती है कि अल्लाह ताली ये बात नहीं है कि अल्लाह ताला जाना जा जाने जाने के लिए या पहचाने जाने के लिए इंसान की तख्लीफ़ का मोहताज है इसका यह तस्वुर नहीं है बल्कि यह है कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम पैदा किया मखलूक पैदा की इसमें इंसान बनाए हैवानात सब बनाए एक पूरा एक निज़ाम तश्ील दिया इंसानों को सबसे ऊपर रखा और उनसे मुतालबा रखा गया कि तुम मेरी इबादत करो बाज़ रिवायत में आता है कि ये जो खलक्तुल जिन्न ममा वल खलतुलजन्न वलिनसिल आबुदून है इसके लिए यारिफून के मानाबाज़ हजरात ने बताए हैं कि पहचानना तो खुदा को पहचानना और ख़ुदा की इबादत उसके बताए हुए तरीक़े तक करना और क़ुरब खुदाबंदी के निज़ाम पर चल के खुदा तक जाना ये वो चीज़ है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को खलीफा कहा यानी इंसान बुनियादी तौर पे जब पैदा होता है जिस वक्त पैदा होता है तो उस वक्त एक बच्चा होता है उसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती फिर उसके अंदर सिफ़ात अल्लाह ने ऐसी रखी जिससे वो इकतसाब करता है अब जब वो इकतसाफ करता है तो फिर दो तरी हो सकते हैं इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा या तो वो शुक्रगुजार बंदा बनता है और इकतसाब करके अल्लाह का कर्ब हासिल करता है या फिर वो अल्लाह ताला का नाशुक्र बंदा बनता है और अल्लाह से दूर जाता है फिर वो हैवानात से नीचे चला जाता है इसलिए कि हैवानात कम से कम अल्लाह को उसकी बताई हुई तस्वीर के तहत याद तो करते हैं उनकी याद करना इंसान की तरह से ख़ुद मुख्तार गालिबन हो शायद मैकेनिकल हो लेकिन इंसान को इख्तियार देकर उसको हिदायत की अच्छी और बुरी बातें बताकर अल्लाह के कुर्ब का रास्ता बताकर एक इम्तिहान दिया गया अब अगर वो कुर्ब के रास्ते पर चलता है उन सिफ़ात को इख्तियार करता है वह तखल्कूबी अख्लाक अल्लाह वाली कैफियत पैदा करता है अपने अंदर, अंदर अल्लाह से कुर्ब की बातें पैदा करता है अखलाक अपने आली करता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद इनमा बुरफ़तलुआतम अखलाक तो मालूम हुआ कि अम्बिया अं� को उस काम के लिए भेजा जाता है जो तख्लीक़ कायनात के मकासदों तो फिर वो शख्स वो है कि जिसके ऊपर ये लफ्ज़ बोला जाना मुमकिन है कि ये खलीफतल्ला है यानी अल्लाह ताला की खिलाफत के अल्लाह की नाइबियत के इसके अंदर सिफ़ात कुछ पाई जाती हैं तो इस वजह से ये बात बिल्कुल बाज़ रिवायात में हमें मिलती है कि तख्लीक आदम का मकसद ये है कि अल्लाह ताली के को जाना जाए अल्लाह की यानी कि अगर हम जानें तो थोड़ा सा और एक दूसरे अल्फाज में इस्तेमाल कर लें कि बंदे मखलूक पैदा होकर एक सफ़र तय करके अल्लाह तक का कुर्ब हासिल करें कुछ मुकर्रबीन पैदा होते हैं कुछ फरिश्तों की तरह लोग पैदा होते हैं कुछ हैवानात की तरह की मखलूकें के तस्वीर तो सब करते हैं विन युसब्बिहु बिहमदी लेकिन एक इंसान पैदा हो वो बिल्कुल सिफात से आ रही हो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सीख कर दर्जा बुलंद पर सफर करता हुआ इस मनसब तक पहुंच जाए जिसके से सा साथ साथ उसके अंदर इबलीस वाली तकबर की सिफात के बजाय इज्ज वाली सिफात हो खुदा के आगे झुकने की सिफात हो फिर वो शख्स वह है जिसके लिए खिलाफत कलफ भी बोला जा सकेगा जिसके लिए आइए तो नफ्समतमारब्बी की राज भी बोला जाएगा इबादी वीनती ठीक तो ये ज़रा लामा साहब की तरफ चलते हैं और अल्लामा साहब के सामने ये सवाल रखते हैं यही सवाल कि अल्लाह ये चाहता था कि वो पहचान पहचाना जाए खलीफा मुकर किया जिन्नात और फरिश्तों में वो सिफात मौजूद ही नहीं थी कि वो जो आरफाना सतह होती है उस जगह तक पहुंच सकते हैं कुरान करीम की हम तलावत करते हैं तलावत तब्दील होती है इशारत में इशारत तब्दील होती है मार्फत में मार्फत के बाद हम खुदा तक पहुँचते हैं उलूम तक पहुँचते हैं जो मुफसरीन और बयान करते हैं ये को ये जो जिसे लामा इकबाल कहते हैं कि ये तुमने क्या गज़ब किया मुझको भी फाश कर दिया मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में अल्लामा साहब फरमाइए आपके आद अल्लाह तदम की तख्लीक का मकसद क्या था और ये वलकत करम ना बनी आदम ये क्या है जी बसमिल्लर अलहमदिल्ल रबालमिन वसलात वसलाम उलारफिलम्बियामसलैन वाली वसाहब ही अजमा बिलाशुबा रब्बिलाम ने हज़रत सैदनआदम सलातम को अपनी खिलाफत के मनसब पर फ़ायज़ फरमाया और इसका इजहार भी फरमा दिया इस पर बात भी हो चुकी अब इंसान की जो तख्लीक का मकसद समझ आते हैं बहुत सारे मकासद हैं बात होती रहती है लेकिन एक बहुत ही बुनियादी बात यह है कि जिन्नात पहले मौजूद हैं मलाइका पहले मौजूद हैं जिन्नात जो हैं इनके लिए फ़रमाया गया खल कल जान न मिन नार इनको भड़कते हुए शोले से बनाया मलाइका जो हैं ये नूरी मखलूक हैं मासूम अनिल हैं जो हुक्म मिले वो करते हैं यानी सरासर बंदगी हैं ठीक सरासर इबादत हैं सरासर अपने रब की जो है इतात और फर्मा बरदारी गोया इनका खमीर है उस उनकी तीनत में शामिल है और यही हवाला उन्होंने दिया था नाह नसब्बु बमद कवा नद सुलक उस खलीफ़ा के मकाबल इन्होंने ये हवाला दिया था कि जनाब इसकी क्या ज़रूरत है और साथ बल्कि ये भी बताया था कि ये जो है ज़मीन में ख़ून रेज़ियाँ करेगा कत्लो ग करेगा और तस्बी व तकदीस के लिए तो हम मौजूद हैं जिन के अंदर मासीयत का मादा ही नहीं है जिन और फरिश्ता मौजूद है अब एक तीसरी मखलूक को तख्लीक किया जा रहा है जिसको रब जलाल ने इंसान कहा है और आदम कहा है और बशर कहा है और अपना खलीफा कहा है ये चार डायमेंशनस हैं सैद आदम्सम के हवाले से इंसान की जब जब आप तख्लीक का जो प्रोसेस है उसको देखते हैं तो पहले फ़रमाया कि जो चार अनासर थे अनासर अरबा उनको लिया गया आग हवा मिट्टी और पानी उनके साथ एक पुतला तख्लीक़ हो रहा है और फाइजा सब्वई तो हो वन फखी ही में रू ही उस अनासर अरबा के उस पुतले की जब तख्लीक हो गई वो बन गया तैयार हो गया तो अभी तक वो सजदे के काबिल नहीं है वो इस काबिल नहीं हुआ वो इस्तेदाद और वो काबिलियत तो उसके अंदर नहीं है कि मलाइका उसको सजदा करें सबसे बड़ा शरफ बख्शा वो क्या था वनफक् ही मर रूह ही अपनी रूह में से रूह उसके अंदर फूँगी ये जो शरफ़ है ये किसी और, और को हासिल नहीं।, नहीं आदम सलाम अब इस काबिल हुए कि मलाइका जो हैं वो उन्हें इस काबिल समझें कि ये हमसे ज़्यादा सुपीरियर अब इसको सजदा करें उसके बावजूद सुल जलाल ने महज हुक्म दे के नहीं बल्कि आदम की एक इल्मी को उन पर आशकार करके उनसे मनवा के फिर अजमत आदम खाकी को मलाइका से मनवाया और आदम अलैहिस्सलाम की शख्सियत यानी, यानी आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए कि फरिश्तों की जो इताअत है वो ज्यादा अहम नहीं थी आदम की अजमत को उजागर आदम की अजमत के साथ जो इल्म की म का पहलू है यानी एक सामने इबादत है एक तरफ इल्म है जी, जी। तो इबादत पर इल्म की फोकियत को जाहिर इस अंदाज से किया वाह वाह शरफ है तो इंसानियत तो का और जिस तरह फरिश्तों ने माजूरी का इजहार किया था कि ला लना इल्ला मा तना हम तो उतना ही जानते हैं उतना ही इल्म रखते हैं जितना, जितना तूने हमें, हमें, हमें अता फरमाया अब तस्खीर कायनात जितना तूने हमें अता फरमाया अब ये कायनात की जो तस्खीर है को हासिल करना है फरिश्ता जो हवा का फरिश्ता है वो सिर्फ हवा के ही को जा, को जानता है अपनी जिम्मेदारियों से सेहदा बरा होता है जो गजा का फरिश्ता है जो बारिश का फरिश्ता है लेकिन जामे जामियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ बनी आदम में है में है बेशक वो तीनों तीन इंसान के, के पैकर में जमा फरमा दी जी इंसान के पैकर में जमा फरमा दी मुफ्ती साहब यही बात कि इंसान को फजीलत दी जा रही है जो मोटी मोटी खसूसियात हैं कुछ तो साहब ने बयान फरमाएं मैं चाहता हूं जरा इसी बात को और आगे करें कि इंसान खलीफा कब बनता है को वर्कर कब बनता है बकौल इकबाल के कि अल्लाह और इंसान एक वक्त में हमकार हो जाते हैं वो कब ऐसा वक्त आता है और फिर अल्लाह की इंसान की आंख हाँ, अल्लाह की आंख हाँ, इंसान का हाथ अल्लाह का हाथ इंसान का पांव अल्लाह का पांव बन जाता है हाथ तो अल्लाह अल्ला का है बंदे मोमिन का हाथ गालिबो कार आफरी कार कुशा कार साज ये कौन सी मंजिल है देखिए बात है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया तो उसको एक रास्ता दिया चलने का जो अंबिया ने आके इंसान को सिखाया और वो रास्ता शुरू होता है अल्लाह पर ईमान लाने से और ख़त्म होता है उसकी मारफ़त और उसकी हकीक़त और उसकी जैसे कहें कुर्ब के कुछ मनाजिल तय करने से ये शुरू होती हैं मनाजिल जिसकी कोई इंतहा इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इसका इज़ द लिमिट इसकी कोई इंतहा नहीं है, ठीक है। जब इंसान उस कुर्प की मनाजिल पर कदम रखता है और अल्लाह की उसको कुछ हक़ाक़ कुछ हक, कुछ मारफत नसीब होती है तो फिर उस वो उसकी मर्जी खुदा की मर्ज़ी के ताबे हो जाती है वो सोचता वैसा है और वो करता वो है जो अल्लाह चाहे चरानचा आपने एक सुना होगा उम्र तो रजी अल्लाह के बारे में कि उनके लिए एक लफ्ज़ मुहद्दस का इस्तेमाल किया जाता है।, है यानी क़ुरब खुदा की वो मनाजिल कि जिसमें वो सोचता भी वो है जो खुदा की चाहता है करता भी वो है जो खुदा चाहता है यानी उसके उसके सोच में उसके अमल में और मर्जी इलाही के दरमियान एक ततावु एक तवासल पैदा हो चुका होता है ये वो कैफियत जो कुर्ब की है यही वो चीज़ है जिसकी वजह से इंसान को वो मनसब और वो मर्तबा दिया गया कि जिस तरह बाज़ हज़रा ने हमारे यहाँ अक़ायद के ने ये बात लिखी है कि बाज़ इंसान बाज़ फरिश्तों से अफजल हैं और आम इंसान आम फरिश्तों से अफजल हैं और बाज़ इंसान जो अल्लाह के मकर्रब बनते हैं वो बाज़ ख़ास फ़रिश्तों से भी अफजल हैं वजह उसकी यही है कि अगर अल्लाह ने और मखलूक़ात पैदा किए हमें उनकी जिक्र की उनके तल्लु माल्ला की कैफ़िया हमें नहीं मालूम किया हैं लेकिन जो हमें जाहिर होता है वह ये होता है कि उनको एक अमल दिया गया वो करते रहते हैं इसके मुकाबले में जो अल्लाह की ये मखलूक है ये शुरू होती है और इसका सफ़र बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है और फिर क़राम की हयात देखें हमारे बुजुर्गान अल्लाह की जब हम हयात देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि वो खाते वो थे जो अल्लाह चाहे करते वो थे उनका चलना उनका पहनना उनका उड़ना हर चीज़ रसूल करम सल्ला वसलम के सामने सब कराम अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह के रसूल आप अल्लाह के किस कुर्ब के मनसब पे फाइज आप जब लेटते हैं तो आपके जिसम पर चटाइयों के निशान पड़ जाते हैं तो रसूल्ला वसम जो है वो उठ के अरसात फरमाते हैं मेरा इस दुनिया से क्या लेना देना मेरी मिसाल तो एक मसाफिर किसी है कि मैं थोड़ी देर पड़ाव डाल के जा रहा हूँ यानी कुर्ब की वो मंजिल आ जाती है और फिर ये सिर्फ़ रसूल सल्लम के साथ नहीं बाद में साहब इक्राम की हयात मुबारक हम देखते हैं और अलियाअल्ह और आज भी अल्लाह कैसे बंदे जिंदा हैं कि जो अल्लाह के कुर्ब के इस मनसब तक पहुंच जाते हैं कि उनके लिए मादियत की चीज़ें बिल्कुल बेमाना हो जाती हैं उनके लिए ये तमाम चीज़ें इस तरह से हो जाती हैं कि जैसे एक मुसाफिर है वो गाड़ी में बैठा हुआ जा रहा है उसको चीज़ें कुछ देख रहा है उसको नज़र आ रही हैं लेकिन अगर कोई इसको दावत दे के उतर के तुम इसमें जाओ वो कहता है मेरे लिए बिल्कुल बेमाना बात है मेरा सफ़र कहीं और है ये जो चीज़ें हैं ये उसके लिए फिर हदीस शरीफ़ में जब आपने जो शहर के में भी बात कही हदीस शरीफ़ में आता है कि फिर अल्लाह ताला इंसान का हाथ अल्लाह का हाथ बन जाता है उसका नूर वही हो जाता है उसी से इंसान देखता है फिर उसके अंदर वो खास बात पैदा होती है जिसे हम कहते हैं इंसान का हक के साथ टिक जाना यानी कि वो सोचता ही वो है जो हक हो अगर उसके सामने कोई बात रखी जाए हक और बातिल तो अल्लाह के कुर्ब और उसकी मार्फत के नतीजे में वो हक़ की तरफ जाएगा वो कभी बातिल की तरफ नहीं जाएगा चाहे उसको मालूम हो या ना हो चरन तो चाह हमें बहुत सारे ऐसे हजरात का की सीरत मिलती है कि जो इल्म के रुख पर बिल्कुल उम्मी थे या बिल्कुल कम पढ़े लिखे थे लेकिन जब आप उनकी गुफ्तु और उनके मारिफत और हकायक की चीजें देखें तो आपको हैरानी होती है कि इस शख्स के अंदर मारिफत की बात कहाँ से पैदा हुई वजह उसकी ये कि वो उस मंजिल को तय करता हुआ ऐसी जगह चला गया कि जब वो सोचता है तो वो उस तहत सोचता है जो मारिफत की है उसका जो दिमाग है उसके अंदर अल्लाह की तरफ से हिदायत डाली जाती है दुरुस्त बात सुझाई जाती है हक बात सुलझाई जाती है और हक और बातिल का फर्क उसके ऊपर वाजे कर दिया जाता है जिसे हम कहते हैं कि ना दजल उसको फरेब में ला सकता है न हक और बातिल की जो बाकी चीज़ें मिलाकर उसके अंदर अल्लाह तस्बत फुरकान भी डाल देता है तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से इंसान को शर्फ और तक्रीम हासिल हुई और इन चीज़ों की कोई इंतहा नहीं है यानी अगर आप कहें कि किसी में कितनी किस मनसब पर आ जाती है तो अल्लाह तला ने जितने इंसान रखे उसके लिहाज से उनके अंदर यह सिफात में तनवोर भी रखा की भी जैसे कराम लिखते हैं कि जितने इंसान उतने अल्लाह तक पहुँचने के रस्ते अल्लाह तक ये ये फनाफिल्ला तो फना होना ये क्या होता है ये भी हम जानना चाहेंगे साहब से और ये जब बात आपने फरमी ना कि जैसे जैसा आदमी आगे बढ़ता है मार्फत की राहें खुलती रहती हैं अल्लाह ये जो अल्लाह तुरब है जाहिर है के फरिश्ते और जन्नात अल्लाह की मार्फत हासिल ही नहीं कर सकते थे तो इंसान को पैदा किया गया आदम को पैदा किया गया अब ये जो है ये कैसे पैदा होती है इस ये रास्ता कैसा रास्ता कैसा है जरा इस पर इर्शाद फरमाइए आप अल्लाह जी, जी, जी एक तो ये हदीस पाक जैन में रखी हदीस सही है बुखारी शरीफ में आदम अला सूरत ही अल्लाह तबारक व आदम को अपनी सूरत पे पैदा अपनी किया अपनी सूरत पर पैदा किया देखिए ये हदीस पाक हमें है। बताती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अभी जिक्र हुआ ना कि इजहार चाहा <coughs> इजहार चाहा जी। अब उस इजहार के लिए जो मजहरियत का जो आला था जो आईना था मुमकिन है कोई तजल्ली मलाइका पे भी डाली हो जिन्नात पे भी डाली हो लेकिन वैसा रिजल्ट और आउटपुट ना मिला हो जैसा इजहार खालिक ने खुद चाह फिर एक तीसरी मखलूक को पैदा किया सुबह और उसके अंदर उन दोनों की सिफात के अलावा एक तीसरी सिफत इजाफी रख के फिर जब देखा तजली डाली उस पर अपने सिफात की ज़ात की तो जैसी जामियत जैसी कामिल मजहरीत उस जाहिर हुई वो पहले ना मलाइका में थी ना जन्नात में थी चुनाचे आदम अली अलसलातम नयाबत इलाहिया के अहल ठहरे और उन्होंने क्वालिफ़ाई किया और यही तसलसल फिर आदम सलात वाम की औलाद में जारी रहा और जारी है और जारी रहेगा शरफ़ इंसानी का ये अजीम तरीन पहलू है जिस जिसपे हमें नज़र रखनी चाहिए इसी बुनियाद पर इंसान ही के अंदर ये कमाल था कि वह अपने रब के आगे गिड़ गिड़ा सके गिरिया कर सके आंसू बहा सके तड़प सके और बंदगी का ये पहलू न जिन्नात में था न मलाइा में वरना देखिए ने लिखा है कि एक तस्हरी अबूदीत है ऐसी के मखलूक़ मुसखर हैं अपने रब की बंदगी पर चाहें या ना चाहें तो वन अव करहा उन्होंने करना ही करना मलाइा भी ऐसे ही अल्लाह की बंदगी पर माम हैं और कर रहे हैं वो उनकी गज़ा है वो यही करेंगे लेकिन इंसान के अंदर जो दोनों पहलू रख के फिर उससे उसे छोड़ दिया इख्तियार दे के अब इख्तियारी बंदगी बजाला और जैसा बनशा मकसूद था रब्बुल आलमीन का और वो माबूद जैसी बंदगी जिस जौक के साथ चाहता था उसका कामिल इजहार इंसान ही से मुमकिन था चुनाचे इंसान को कुर्ब के उस रास्ते चलाया है रब के ताल्लुक का वो रास्ता इंसान के हिस्से में आया है जो दूसरी मखलूक को नहीं मिल सकता ठीक है, सुबहान अल्लाह सुबहान साहब का कियामकिन है ले जी।, जी आप फरमाते मुमकिन नहीं है जी नहीं मुमकिन नहीं बिल्कुल कुछ कॉल ले लेते हैं और उसके बाद फिर अल्लाह साहब से इस मौजू पर इस सवाल पर तफी गुफग करवाएंगे हम जी अस्सलाम वालेकुम <coughs> अस्सलाम वालेकुम जी जी वालेकुम सलाम सर जी भाई क्या हाल है आप ठीक ठाक है सर अल्लाह के शुक्र क्या सवाल है सर मेरा सवाल कोई नहीं है मैंने सब तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करनी है आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस जो आपका एक क्लिप चलता है लड़का और लड़की की बराबरी के बारे में वो एक बहुत अच्छा मैसेज है ठीक है और उससे काफी लोगों को फायदा भी हुआ है, है। <coughs> बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी वो ये है कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में अखबारों में आप अक्सर देखते हैं जादू टूना इस किस्म की फरसूदा चीजें जो है जी। इनके इश्तिहार आम अखबारों में और केबल वगैरह पे आ रहे हैं जी जी क्वेश्चन मेरा ये है की अगर अशिया ममनुमा जो की ममनू भी गई है इस्लाम में उनके इश्तेहार इन चीजों के इश्तेहार इजाजत होनी चाहिए बहुत अच्छा सवाल है बहुत अच्छा सवाल है कि जादू टोना वगैरह इस बल्कि इस पर लंबे लंबे प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं आजकल ये क्यों हो रहे हैं सोसाइटी को कहाँ लेके जाया जा रहा है ये सवाल बहुत अच्छा है हम बात करवाएंगे मुफ्ती साहब से अगली कॉल ले, ले लेते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर जेलम से सर जेलम से अख्तर इकबाल मदरसा तो, जनाबे वाला अख्तर इकबाल साहब आपके कैसे मिजाज हैं सर अल्लाह का फजला करम सर, दे सर क्या सवाल है सवाल सर अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया मुजद्दी साहब ने के इलम की वजह से जी इंसान को फोकियत दी गई जी शरफ तो मेरा सवाल ये है शैतान जो था जी वो पहले फरिश्तों का सरदार था जी मौल, तो, था जी उस्ताद था जी मेरी नाकस मरूमत ये है कि वो इलम और इबादत दोनों उसमें शामिल थी ठीक है इनम की भी इंतहा था और इबादत की इंतहा था जी ने इसीलिए सरकार बनाया था मेरा सवाल यह है कि फिर वो सितार बना कैसे क्या बेदबी की वजह से बना इनकार की वजह से बना तकबर की वजह से बना दे, दे इस, तक, इस इस तक तकबार की वजह से बना तकबर आया जो आज आयत तलावत हमने की ना सूर्य बकरा की आयत नंबर तैतीस अबावस्त तक इस पर गौर फरमाइएगा अख्तर साहब और लेकिन ये सवाल हम रखेंगे साहब के सामने मुजद्दीदी साहब मैं जो बात कह रहा था मैं वही जोड़ता हूँ सिलसिला वहीं से कि जहां सिलसिला टूटा था कि क्या इल्म हासिल किए बग़ैर या इल्म का जो अगला दर्जा है मार्फत जैसा कि फरमाया मुफ्ती साहब ने के वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसला इल्ला लियाबुदून यहां पर लियारफून की बात हुई है ने यह भी लिखा है जो फरमाते हैं मुफ्ती साहब तो क्या इरफान खुदा के बगैर हम कामिल बंदगी क्या تصور भी कर सकते हैं जी नहीं बिल्कुल नहीं अभी बात हुई है लियाबुदून लियारफून सैयद अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदिल्लाहु अन्हु मां की यह तफसीर है वो कहते हैं लियाबुदून से मुराद लियारफून है इसलिए कि लिया बुदून तो पहले भी हो रहा था जिन्नात भी बंदगी कर रहे थे इबादत कर रहे थे और मलाइका भी और मलाइका तो फिर ऐसी बंदगी करते हैं कि वो तो मुमकिन ही नहीं इंसान से ये तो तय है कि इंसान जो खाकी है वो नूरी जैसी बंदगी कैसे करेगा और जो जिस जिस मखलूक को को कोई एहतियात कोई हाजत वो सारी चीजें जो इंसान के साथ आलाइशें लगी हुई है जो कसाफतें इसके अंदर है वो उसके मलाइक के अंदर नहीं है लेकिन उसके बावजूद इंसान की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है वो इसीलिए कि बारिफ़त की जो जामयियत और मजहरीत इंसान से मुमकिन थी जो मकसूद व मंशाए मबूद था वो इंसान से बेहतर उसका इजहार कहीं और मुमकिन नहीं था अब इंसान पे आ जाए तो इंसान की बंदगी का कोई तस्वुर ही नहीं है अगर वह अपने मबूद की बारिफत नहीं रखता सूफिया तो यहाँ तक कहते हैं मन आरफ अनफ सू फ़कत अरफ और अब उसकी बारिफ़त का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो खुद इंसान की अपनी ही ज़ात है वफ़ी अनफुसिको म फला तुब तुम गौर नहीं करते नहीं। और फिर सूफिया कहते हैं कि ए तन रब सचेदरा फकीा चाहती हूँ। सुल्तान बाहू रहम्तुल्ला फरमाते हैं अब इंसान की अपनी ही ज़ात खुद बारिफ़त के इलाही का पहला और बड़ा बुनियादी टूल है यहाँ से आपने स्टार्ट लेना जिसे अभी अपनी मारिफत नहीं है इंसान का ज़ाहिर और बात देना चूंकि वक्त नहीं मैं इसलिए तफसीत में जाना नहीं चाह रहा इंसान जो है इमाम गजाली रमत ने लिखा है इस कायनात का सबसे बड़ा जो मॉडल है पूरी कायनात का और जिसको आलम असगर या आलम सगीर भी कहा गया वो इंसान है और इसके अंदर सब कुछ रख दिया गया यहाँ से आप स्टार्ट लीजिए यहाँ आपको अमर भी मिलता है खल्क़ भी मिलता है मटीरियल भी है रूहानियत भी है मादा भी है रूह भी है ये बाहर जो अनासर अरबा मैंने कहा आग हवा मिट्टी और पानी कालिब है और अंदर जो है अमर इलाही है नही मर रू ही अब इन दोनों का जामे सिर्फ इंसान है इसीलिए मारफ़त इलाही इसी से कामिल तौर पर मुमकिन है और मुमकिन थी और उसके बगैर इंसान की किसी नमाज किसी रोज़े किसी जकआत किसी हाजिया या किसी जिक्र फिक्र का कोई माना बनता ही नहीं है जब तक उसे अपने माबूद की मारिफत अपने जी, की बात हुई थी लेकिन जो सवाल मेरे जहन में फौरन उठा वो ये उठा जैसे आपने और मुफ्ती साहब ने दोनों ने इरफान को और मार्फत को अहमियत दी मेरा सवाल यह होगा कॉज लेने के बाद मिन इबाद ओलामा आया है और अफा नहीं आया जी दुरुस्त तो यहाँ पर इल्म को अहमियत और फोकियत और फजीलत है या इरफान को मारफत को ये सवाल रखूंगा मैं आप दोनों हज़रत के सामने लेकिन पहले कुछ कॉल्स अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, जी वालेकुम सलाम सर जी आप प... रशीद अहमद रजवी फैसलाबाद जी सर क्या सवाल है सर जी मैं शहजादा मैं मुजद्दी साहब से अर्ज करूंगा कि अलैहिस्सलाम तो के फजाइल बहुत से अहबाब बयान फरमाते हैं उसकी रोशनी में यह बताइएगा कि शैतान अगर बिया नबी की तोहीन करे तो वो किस जुमरे में पहुंच जाता है अगर इंसान इस सिलसिले में कोई जबान से कोई जबान दराजी करे तो फिर उसको किस में जानना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल ये कैसे मुमकिन है कि नबी की तोह कोई करे और उसको सजा ना हो या उसको आ, उसके से उस पर लानत ना हो ये ऐसा मुमकिन नहीं लेकिन हम सवाल रखेंगे और शैतान ने अल्लाह ताला का इनकार किया था यानी सज आदम का इनकार किया था अल्लाह के हुक्म से इनकार किया था उस पर आ, मजीद बात करवाएंगे बहुत बात हो चुकी है इस पर लेकिन आपका सवाल क्योंकि आया है तो हम बात करवाएंगे अगली कॉल ले, ले लेते हैं असलाक वाले शकील बात कर रहा हूँ लाहौर से शकील साहब क्या सवाल जी सर मेरा सवाल ये है कि ये जितनी भी आदमो मलाइका की जो और इबलीस की जो दास्तान है इसको आप एक इनका जो मुकालमा जो अल्लाह के साथ जो है वो हाल है की काली है अच्छा हाली और आजम और आजम आजम्सम जो है वो एक नौ भी है और एक नबी भी, कु, भी है और मलाइका वो कायनाती कायनाती कायनातीवतें हैं और इबलीस इंसान का इंसान के सिफली जज्बात भी हैं और एक शख्सियत भी है जी तो इसको आप किस तरह आप इसको डिफाइन करेंगे इसको अगर इस एंगल से देखें आ, और इ, इर्तकाय आदम जो है वो तो वो तो इर्तका जो है इस कायनात में जारी सारी है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल 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 अच्छा ये जो सवाल कुछ सामने आए लेकिन मैं चाह रहा था कि पहले वो आ, उस बात पर जरा बात कर लेते हैं कि मारुफत आपने भी फरमाया कि मारुफत और इरफान खुदाबंदी इसकी फजीलत इसका मरतबा और मनसब बड़ा है लेकिन कुरान करीम चार फरमाता है वहां पर वो ओलमा की बात करता है और की बात नहीं कर रहा क्या फरमाएंगे आप देखिए इल्म का जो लफ्ज़ है ना एक तो वो है जो हमारे माशरे में बोला जाता है हम जानने को इल्म कहते हैं नेे करीम ने जो इल्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कुल यालमून वल्लज़ीन ला यालमून और इस तरह के जो नमाय अखल्हन उलमा और भी जगह पर जो इससे मुराद क्या है इससे मुराद वो इल्म नहीं है कि जो इल्म इंसान किताबों में पढ़ के बंद करें और उस इल्म का उसके ऊपर कोई असर वाक़ ना हो ठीक इस इल्म से मुराद है वो इल्म जो किदीनकरम वाला जुनूबी वफक्करून फ़ी खलक समावती वालर्क यानी आसमान और ज़मीन में फ़िक्र करे इल्म हासिल कर रहे के बाद जब वो इस फिक्र करे तो फिर उसके बाद नतीजे पर पहुँचे कि रबाना माखल तहाज़ा बा अगर वो इस नतीजे तक ले जाता है वह इल्मा हाँ मुराद है और यही वजह है कि जो कुर करीम में फरमाया गया इनमा याशल्ला में निबाद मुराद इससे यही है कि जानने वाले अल्लाह से दर हकीकत डरते हैं उसकी खशियत रखते हैं यानि कि इंसानों में तो कुछ लोग बड़े सादम मिजाज के हैं अल्लाह की इबादत कर रहे हैं मार्फत के या इल्म के उस दर्जे पर नहीं पहुँचे लेकिन जो शख्स जितना मारिफत के दर्जे पर और कुर्क के दर्जे पर जाता है उतना उसके अंदर खुदा की अजमत उसकी कुदरत उसकी किबरियाई का एहसास होता है उतनी वह अपनी ख्वाहिश नफ्स को हती कि अपनी जायज़ ख्वाहिशात अपने ख्याल को ताबे करता है यही वो बात है जिसके लिए कहा गया कि यकश अल्लाह हमें न इबादिलमा और हम ये बात महसूस करते हैं हम जब सीरत पढ़ते हैं सूफिया कराम की मशाइ की, की तो हम देखते हैं कि बहुत सारे मशाइ बल्कि बास हजरा ये जुमला इस्तेमाल करते थे कि जो शख्स अपने रब की मारफत हासिल कर लेता है वो बिल्कुल एक तरीके से गुँगा हो जाता है वो बोल ही नहीं पाता वो इजहार ही नहीं कर पाता कि मैं मुझे क्या चीज़ हासिल हो गई है चूँकि इंसान के पास जल्ला ने ताबीर के लिए अल्फाज अता फ़रमाए हैं जो इंसान अपने ख़्यालत दूसरों तक मुंतकिल करता है उसमें वो कैफियत मार्फत की वो नहीं आ सकती बिल्कुल मुराद इससे ये वही इल्म है ठीक है मेरा सवाल ये है कि अलामा साहब ने ये फरमाया आपने ये फरमाया मेरा सवाल इतना सा है कि इल्म को अहमियत दी जाए या मुकदम इरफान है इल्म से मुरादी वो है जो इरफान तक मुंतज हो अच्छा, अगर अगर इल्म इल्म नहीं है अगर इल्म इरफान तक नहीं पहुंच रहा मार्फत खुदाबंदी नहीं हो रही तो क्या उसे हम इल्म नहीं कहेंगे वो इल्म जाहरी तौर पर तो इलम है शैतान के पास भी बड़ा इल्म था लेकिन उसको वो मारिफत, जैसे कहा जाता है शैतान के पास इल्म भी भी था, इबादत भी थी, नहीं था। तो वो जाहिर चीजों का तो इल्म कहलाएगा लेकिन हकीकी मानों में खुदा तक पहुंचाने वाला इल्म नहीं उसे यही सवाल आपकी खिदमत में वो इल्म जो इंसान को अल्लाह से नहीं मिलाता क्या हम उसे इलम कह सकते हैं वो तो इल्म नहीं शादी बशोई लोहे दिलज, नक्शे दिलस इल्मे के राह बहक न नुमायत जहालत अस्त, ना सिर्फ ये कि उसे इलम नहीं कहेंगे बल्कि वो जहालत है जिस इल्म ने आपको मंजिल मकसूद तक पहुँचाया ही नहीं वो वो तो सूरा इम कह, कह सकते हैं सूरा इलम कह सकते हैं हकीकाता नहीं है कुर पाक में जिस आयत करीमा का आप हवाला दे रहे इन नमा यकशल्ह नबाद तमाम मुफसरिन जुमला तफासिर जो आज तक उम्मत में लिखी गई हैं हर मुफसर ने लिखा है लई सब आलमिन मल्लम यकशल जिसमें अल्लाह की खशियत नहीं है वो आलिम है ही नहीं और फिर देखिए कुरने पाक में बहुत सारे ऐसे लोगों का भी हवाला दिया गया है जिन्होंने महज किताबें उठा रखी हैं कमसल हमार यफारा महज किताबों का बोझ उठा लेने वाले या महज लफ्ज़ और हर्फ की हद तक महदूद रहने वाला आलम जो है उसको कुरान आलिम नहीं मानता बल्कि उसको तो फरमाया कि वो ऐसे गधे की मानद है जिस पर किताबों का बोझ लाद दिया जाए फिर नबी करीम सलातम के इर्शादात में दो तरह के इल का जिक्र है एक इल्म की आपने तलब फ़रमाई दुआ की एक से पनाह मांगी अल्लाउिकाफा ए hey अल्लाह मैं में तुझ से उस, इल, ते, उस इल्म से तेरी पनाह मांगता हूँ जो नाफ़े ना हो जिसमें नफा ना हो जो मुफ़ीद ना हो अम्यास आलो का नाफ़्या ए अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफ़े नफा बख्श इल्म का सवाल करता हूँ अब वो नफा बख्शी क्या है जो बंदे को रब से मिला देती तो इस्लाम का जो तस्वुर इल्म है उसमें मारिफत मौजूद है बग़ैर मारिफत के सिर्फ़ अलफ़ व हरूफ को रट लेना दलाइल को या बहुत चर्ब जबानी या बहुत बोल लेना ये इल्म नहीं है इल्म तो वो है उम्मत का जमा है इस पर इमाम मालिक फरमाते हैं इल्म एक नूर है जिसका महल कल्ब है दिल है और इस नूर की रोशनी में बंदा अपने रब तक पहुंचता इसको इल्म कहते हैं अल्लाह अल्लाह साहब अगला सवाल मेरा वक्त क्योंकि बहुत कम है सवाल बहुत ज्यादा है कुछ कॉलर भी हैं लेकिन यह फरमाइए कि ये जो मार्फत खुदाबंदी है अल्लाह तला का जो इरफान है और कुर्बत है क्या किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठे बगैर हासिल हो सकती है यक जमाना सोहबत साल जी ता अगर ये होता ना जी तो फिर अल्लाह ताला ये खिलाफत का सिलसिला ना चलाता इन निजाइल उन फिलर्दी खलीफा का मतलब ही ये है और उसको सजदा करवाना सिंबॉलिक था मकसूद क्या था कि जिसको मैं खलीफा कह रहा हूँ जिसके सर पे ताजे खिलाफत मैंने रखा है अब तुम उसे मेरे कहने पे और मेरे बेहाफ पे मानो जो भी फैसलाबाद से सवाल हुआ था कि जब इतना बड़ा इबादत गुजार और मोहल में मलाइका भी खलीफा की तज़ीम व तकरीब न करे तो मरदूद बारगाह हो जाता है तो एक आम आदमी उठ के अगर अल्लाह के किसी महबूब किसी मकबूल और ख़िलाफत के अहल की तज़ीम व तकरीम बजा नहीं लाता तो वो तो फिर बदरजा उला बहुत ज़्यादा मरदूदियत का मुस्तक ठहरता है इसमें यह इशारा भी है कि जिनको रब ने अपनी नियाबत व खिलाफत का शरफ़ बख्शा जिनके लिए हदीस पाग में फरमाए इन वरासतुलम्बिया कि मेरी उम्मत के उलमा अम्बिया के वारे से यह नियाबत ही का एक तसलसल है तो इनकी अज़मत इनकी तक्रीम और इनको मानना और इनसे फ़ैज़ लेना ये ये मनशा अलाही था मकसूद इज्दी था इसीलिए यह सिलसिला चलाया गया है कि आप ढूंढिए तलाश कीजिए कुरान पाक में हदीस पाक में बहुत इशारे इस सवाले से मौजूद हैं बिल्कुल ढूंढिए उन्हें जो अच्छा कुछ कॉस लेते हैं उसके बाद यही सवाल मैं आपके सामने रखूंगा जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर क्या सवाल भाई है सर अल्लाह का शुक्र कौन सा जी अब्दुलवाला से सर क्या सवाल है मैं जनाब सवाल नहीं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं कि मैंने केवल इसलिए लगवाई है आपका प्रोग्राम देखने के लिए अल्लाह आपको जजा दे अल्लाह हजारा ये।, ये एक रिक्वेस्ट है कि आप जब सुबह कराने पाक की तलावत करते हो ना तो मैं आपकी तलावत सुनता हूँ और ये तशरी आपकी सुनता हूँ बहुत अच्छे अच्छे लुमा कराम आप लाते हैं जिनसे सवालत पूछते हैं जी बस अल्लाह करके क्राने पाक जो है ना जी लगातार इसको मैं देखता हूँ आप लगातार कर दें इस के आगे अगली से इस तरह सारा कुरान पाक हो हम सीख लें इन ताला इन तरह यही होगा इरादा यही है बस आप दुआ और कुर करीम के माना और मफाहिम हमारे सामने खुलकर सामने आते हैं आपका बहुत शुक्रिया अगली कॉल ले, ले लेते हैं और ये आखिरी कॉल आज के दिन की असला सर अनिश साहब क्रामर हमारा बोल रहा हूँ सर क्या सवाल है आ, सर आपको बहुत ज़्यादा मुबारक आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और अमर साहब को बहुत ज्यादा मुबारक तो पाकिस्तान का सबसे सवाल यह है कि पाकिस्तान का मतलब क्या है लाइ या इसका जरा बहुत ज्यादा आप करें अगर इस प्रोग्राम में जी 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 बिल्कुल 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 आप 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 अल्लाह अल्ला अच्छा। बहुत, अच्छा, 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 अच्छा। बहुत जरूर आप दुआ फरमाइए एक बात कहता हूँ की मामलाते ये अल्लाह दे अच्छा ये सवाल भी हैं बहुत सारे लेकिन मैं जरा चाह रहा था कि उस पर बात करें कि क्या मार्फत खुदाबंदी किसी अल्लाह वाले के बगैर हो सकती है देखिए देखिये अनिकाह अल्लाह वाले के की बात तो अल्लाह का काम तो अल्लाह का नाम सीखना तो बहुत बड़ी बात है दुनिया के अंदर आप अच्छी क्या बल्कि बुरी बात भी किसी उस्ताद की सोबत में बैठे बगैर नहीं सीखते चोरी चकारी डाका मारने के लिए भी लोगों को, को किसी की सोबत उठानी पड़ती है कोई हुनर सीखने के लिए क्या, डाका डालने के लिए भी किसी मतलब किसी से सीखना, सीखना पड़ता सीखना है कि भाई कैसे चोरी चकारी की जाती है तो दुनिया के अच्छे बुरे काम जब सीखने के लिए आपको इसकी जरूरत है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में ये चीज़ रखी है कि जब वो सोबत उठाएगा जब वो किसी के साथ लगेगा तो जो कुछ वो हासिल करेगा वो महज पढ़ के या देख कर रट कर नहीं हो सकता फिर तो खुदा का काम नाम जो सीखना है वो तो मारिफत की बात है तो मारिफत का तो ताल्लुक सिर्फ हरूफ़ और अल्फाज से नहीं होता वो तो इससे आगे की चीज है और यही वजह है कि ये बुजुर्गान दीन और सूफिया कराम ये बात कहा करते थे कि सोहबत में बैठ जाना ये हजार साल की इबादत से इसलिए बेहतर है कि सोहबत में बैठ कर आप वो मनाजिल मारफत की तय करते हैं कि हो सकता है कि उसकी मार्फत के बगैर आप एक हज़ार सजदे करते हो मेकेनिकल अंदाज में और उसके बाद आप एक सजदा करेंगे तो वो जो, जो, जो समझता है एक सजदा हजार सज्जे से देता है निजात वो कैफियतें पैदा होती है कि वो एक जिसे तुँ तुँ जब उसके अंदर मारिफत और खुदा पर ईमान कवि होता है फिर वो दुनिया की चीजों को खातिर में नहीं लाता तो एक बात तो ये है सजदा समझ में आता है समझ में आता है तो फिर बहुत ये जो मारिफत है इसके ये हासिल होती ही सोबत से ब्रांच मशाइ और बुजुर्गान दीन हत्या के जो अगर आप देखें कि हमारे यहाँ जो इल्म का तरीका भी सोबत से था पहले अब तो खैर इल्म मदारस में और इस तरीके से आ गया लेकिन अगर आप अगर आप बड़े कराम इमामीफर रहमुलजरात को देखें तो ये फरमाया करते थे मैं अपने उसताद की सोबत में पंद्रह साल रहा कोई कहता था मैं तीस साल रहा कोई कहता था बीस साल रहा तो वो ये ये बात समझी जाती थी कि ये अपनी उस्ताद की की में में कितना अरसा रहा तो किसी बैठना बहुत, बहुत जरूरी है, है। मुफ्ती साहब बहुत अहम बातें आपने अता फरमाई कल इन शुरू यहीं से करेंगे जहां सिलसिला का नाम टूट रहा है वक्त हमारा खत्म हो रहा है एक पर्ची निकाल कर आप ऐलान कर दीजिए उस नाम का कि जिसकी खिदमत में हम किताबों का तोहफा भेजते हैं खवान हजरात को सिलसिला होता है छोटा सा दीनी मालूमात को देना ये मकसद और ये मंशा है फैसलाबाद इरफान मजीद साहब इरफान मजीद साहब आपकी खिदमत में किताबों का तौर पर दुनिया टीवी की जाने से <laughs> खबर नजरात अल्लाह तुरबत अल्लाह त्यू आदम को पैदा किया तफरी आदम पर शहजाद मुजदरी साहब ने अल्लाह सुबहान अल्लाह क्या गुफ्तु फरमाई क्या निकात निकल के सामने आए अल्लाह ताला के करीब जाना है अल्लाह ताला का इरफान जब तक हासिल नहीं हो सकता कमाल बंदगी तक हम पहुंच ही नहीं सकते मालूम तो मुझे कि मैं जिसे सज्जा कर रहा हूं अपनी पेशानी टेक रहा हूं जिसके सामने वो हस्ती है क्या और अल्लाह ताला फरमाता है ना कि ये

हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हमें बैठना है ऐसी सोबतों को दिलों का जंग साफ कर देती हैं सोबतें और सबसे मामूली बात ये जो मुफसरीन लिखते हैं कि जब आप किसी आरिफ की सोबत से उठ के बाहर जाए और चेक करें अपने आप को तो ये देखें कि दुनिया की मोहब्बत दिल से कम हुई या नहीं अगर कम हुई तो समझ लें कि आपको हासिल हो गया है दुनिया की मोहब्बत को दिल से बाहर निकालना है मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया साहब आपका बड़ा ममनून कल के सवाल का दुरुस्त जवाब आज का सवाल और आज की बात कौल हजरत अली मुर्तजा का कल का सवाल यह था कि हाजी के लिए सारा सर मुंडाने के अमल को क्या कहते हैं सही जवाब हलक आज का सवाल जिस मस्जिद में खान काबा वाक है उसका क्या नाम है तीन ऑप्शन मस्जिद नबवी स मस्जिद अक्सा मस्जिद हराम जो भी सही जवाब आप समझते हैं वह हमें रवाना फरमाइए बजरिए फ़ोन या बजरिए एस एम एस या बजरिए ई मेल हमारे फ़ोन नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं नोट फरमा लीजिए जीरो जीरो नाइन डबल टू वन थ्री फोर थ्री डबल नाइन जीरो डबल नाइन एट जीरो और एट वन खौतन वजरात ई मेल एड्रेस है हमारा पी एस एट दुनिया टी वी डॉट टी वी और हमारा एस एम एस का नंबर थ्री जीरो थ्री वन आज की बात कॉल साहिब नहजुल बलागा हज़रत अली मुर्तजा करम का आप फरमाते हैं कि एक ही बार किसी चीज को खा लेने की तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हें खाने पीने के कई मौाक से महरूम कर देती है एक ही बार किसी चीज को खा लेने की तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हें खाने पीने के कई मौाक से महरूम कर देती है इसलिए एक आदमी को होका नहीं होना चाहिए बल्कि रफ्ता रफ्ता अतदाल के साथ चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए खाह वो गज़ाई अजनासुनी अहमद को इजाज़त कल हम बात करेंगे जहाँ बात रुक रही है लेकिन एक सवाल जो रखा था मैंने उसका जवाब अभी तक नहीं आया उससे बात करेंगे कि अल्लाह ताला के सामने जब आदम ने नाम बता दिए तो अल्लाह ताली फरमा रहा है कि देखो मैं नहीं कहता था कि ये आदम नाम बता देंगे और तुम्हारे दिल में जो कुछ है वो मैं जानता हूं तुम सवाल जो करते हो तुम्हारा जो जाहिर है और तुम्हारा बातें जो तुम साबित सा, फरिश्तों से फरमा रहे अल्लाह ताला के जो तुम बताते हो जाहिर करते हो और छुपाते हो सब मैं जानता हूं खुतिन हजरात फिर सजदे की बात होती है सब सजदा करते हैं सिवाय इबलीस के इबलीस सजदा क्यों नहीं करता और जहां जहां सच जैसे इनकार है वहां इब्लीस का लफ्ज आता है और जहां जहां आदम को बरगलाने की बात होती है वहां शैतान का लफ्ज क्यों आया इस पर कल तफसील से बात करेंगे कल तक के लिए अनिकमद को इजाजत खुदा हाफिज़।